माने वही एक्सरसाइज 20.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। एक रूट हमें दिया हुआ है और वह है एक्स इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन दी हुई है और हमें मालूम करने हैं उसके बाकी के दो रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम इसे सॉल्व करेंगे और ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है इससे हम इसके कोफिशेंट्स को अलग लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे एक्स क्यूब का कोफिशेंट है 2, तो हम लिखेंगे 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है कुछ नहीं है यहाँ पे, तो -1 होगा, माइनस की साइन साथ में आएगी। यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट है -2, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम इस साइड पे ले जाएंगे। अब एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लायर है, तो ये भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मल्टीप्लायर है हमारे पास 1, इसको आप अलग से लिख लें। अब इस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड रो जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास एज इट इज आ जाता है, ये 2 ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 2 2, ये 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है माइनस होगा, तो हमारे पास आएगा 1, प्लस की साइन बड़ी है इसलिए प्लस का 1 आएगा। अब ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 सा 1, और इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो माइनस का 2 है, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 1 सा 1, प्लस माइनस, माइनस की साइन आएगी, नंबर सेम है साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ये 0 हमारे पास आ रहा है रिमाइंडर। डिवाइड के अंदर हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो 0 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है। अब इसे देखें, ये हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू, ये है x और ये है एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे वापस से इस फॉर्म में लिख लेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशेंट आएगा 2, x के साथ है 1, साइन यहाँ पे प्लस की है तो हम प्लस x लिखेंगे क्योंकि 1 हम शो नहीं करते। कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -1, तो ये -1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास या हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 होती है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो ये चीज़ें साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें। अब हम यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें पता है कि इसके फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 1 सा 2। साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें 2 के इस तरह के फैक्टर्स चाहिए कि उनको हम मल्टीप्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाए। तो अगर हम प्लस का 2 लेते हैं और माइनस का 1 लेते हैं तो 2 1 सा 2 आएगा, ये कंडीशन कंप्लीट। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये चीज़ भी हमें मिल गई। तो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए ये दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब हम इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी 2x स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 और -1 में, तो हम किस तरह से लिखेंगे, +2x और -1x, क्योंकि x इसकी बेस है वो साथ ही रहेगी, और -1 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ आएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस, और यहाँ से ये पूरी टर्म बाहर आ गई है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -1, अंदर हमारे पास आएगा x प्लस माइनस, माइनस का x आ जाएगा, 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया था, और -1 प्लस 1 1 सा 1।
अब इनको हम एक सेम ब्रैकेट हमारे पास आ रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वन और ये 2x माइनस वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जब इस तरह से हमारे पास होता है तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेंगे, x इज इक्वल टू वन इस साइड पे जाएगा तो माइनस का वन और यहाँ पे देखें 2x इज इक्वल टू माइनस वन है इस साइड पे आएगा तो प्लस का वन। x हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू जब हम इस साइड पे लेके आएंगे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस वन और यहाँ पर आ रही है 1/2। मीनिंग टू रूट्स आर माइनस वन एंड 1/2, ये इसका आंसर है। पार्ट टू है इसका, इसमें भी हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये इसके एक रूट दिया हुआ है और बाकी के दो रूट हमें मालूम करने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और रूट है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्वाड्रेटिक मेथड को यूज करते हुए बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड मल्टीप्लायर हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू थ्री है, हमारे पास एक रूट दिया हुआ है थ्री तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लायर होगा और यहाँ से हम कोफिशेंट ले लेंगे। एक्स क्यूब के साथ हमारे पास आ रहा है वन, यहाँ पर हम लिखेंगे वन माइनस का फोर और एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो वन होगा, सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म है इसको इस साइड पर लिखेंगे। अब ये वन एज इट इज आ जाएगा इस वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन से थ्री, थ्री हम यहां पे लिखेंगे माइनस करेंगे फोर, माइनस का फोर है तो हमारे पास वन आ जाएगा माइनस का। अब माइनस वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का थ्री, माइनस करेंगे यहां से तो माइनस का टू आएगा, माइनस के टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, टू थ्री जै सिक्स प्लस माइनस, माइनस सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा जीरो। अभी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करके हम इसकी इसको सॉल्व करेंगे, वन मल्टीप्लाई होगा टू के साथ तो हमारे पास आएगा वन टू से टू और यहाँ पर है माइनस का वन तो अगर हम माइनस का टू लेते हैं और उसमें से प्लस का वन माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का वन आ जाएगा तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं माइनस टू प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस वन लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ हम एक्स लिखेंगे और ये माइनस टू एज इट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर आएगा x माइनस टू और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं वन, प्लस का वन ले लेते हैं, अंदर आएगा x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सेम ब्रैकेट आ रहे हैं तो इनको हम एक
ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 इस साइड पर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 1 है इस साइड पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके दो रूट आ रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। पार्ट 3 है इसका, इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब्ड माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और हमें एक रूट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। सिंथेटिक मेथड यूज करते हुए सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। लाइन्स ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लायर हमारे पास होगा एक्स 2 के इक्वल है तो 2 हमारे पास इसका मल्टीप्लायर आ रहा है। यहाँ से हम कोफिशिएंट ले लेंगे, x के साथ हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे, माइनस 28। अच्छा ये माइनस 28 एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो अगर कोई यहाँ से मिसिंग होगा जैसे x या एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे, ये 0 है और फिर माइनस का 28 एक्स की जगह और 48 हमारे पास है इसका कॉन्स्टेंट। आप ये 1 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 1 से 2, 2 और 0 प्लस होंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 से 4, 28 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 20 आएगा, माइनस 24 आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो ये हो जाएगा 48 प्लस माइनस, माइनस के साइन प्लस का 48 माइनस का 48 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा जो रिमाइंडर है। अभी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये x और ये एक्स स्क्वायर, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 24। अब हमें इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमें चाहिए 2, 24 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। अब यहाँ पे हमें इस तरह के टर्म्स चाहिए कि हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए और प्लस माइनस करें अगर तो हमारे पास 2 आए, प्लस का 2 आए। तो हम देखते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ हमारे पास आता है 24। ये एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें प्लस का 2 लेके आना है तो 6 माइनस 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम इससे इसको दो फैक्टर्स के हमारे पास बन जाएंगे 6 और माइनस 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x माइनस 4x और ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x प्लस 6 और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस
सिक्स माइनस फोर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास आएगा एक्स प्लस, देखें प्लस ये माइनस का फोर है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा हमारे पास, और माइनस प्लस माइनस फोर सिक्स से ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, एक्स प्लस सिक्स एक ब्रैकेट में रखेंगे और एक्स माइनस फोर एक ब्रैकेट में रखेंगे इज इक्वल टू जीरो, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का सिक्स और यहाँ से आएगी एक्स इज इक्वल टू फोर। ये बुक के अंदर यहाँ पे माइनस है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं रिमेनिंग रूट्स आर माइनस सिक्स एंड फोर। यस,